हेलो गाइस तो कैसे हो सभी उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे एंड हेल्दी होंगे आज हम लोग बात करने वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 ठीक है 11 एनसीईआरटी जो हिंदी मीडियम के हैं जिसका नाम है पाचन एवं अवशोषण क्या नाम है इनका पाचन एवं अवशोषण ओके क्लियर सी बात है अब ध्यान से देखना मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भोजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है अब भोजन के रूप में अपन लोग क्या क्या लेते हैं मोस्ट ऑफ अपन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा लेते हैं लेकिन अल्प मात्रा के अंदर भोजन के रूप में अपन को क्या चाहिए विटामिन खनिज लवणों को भी आवश्यकता होती है देखो जल बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ क्या होता है जल के कारण ही उपापची प्रक्रिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा जल अपना रोल अदा करता है रोल निभाता है वही अगर बात करें तो डिहाइड्रेशन से भी अपन को बचाता है देन बात करते हैं हम लोग डाइजेशन पाचन क्या होता है एक बात ध्यान से सुनना जो बड़े बड़े मोलिक्यूल होते हैं फूड के या जटिल पोषक पदार्थ जो होते हैं उनको इतने छोटे रूप में कन्वर्ट करना ताकि वो आसानी से अपनी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू अब्जोर हो सके इसी प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं डाइजेशन यानी पाचन बोलते हैं अब पाचन जो होता है यांत्रिक और रासायनिक दो विधियों के द्वारा संपन्न होता है कंप्लीट होता है देन बात करते हैं आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की यानी पाचन तंत्र की बात करें तो इसके अंदर दो चीजें आते हैं एक तो आहार नाल दूसरा आता है सहायक ग्रंथि तो आहार नाल की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये माउथ से होती है और एनएस पर क्या हो जाती है खत्म हो जाती है तो फर्स्ट बात करते हैं आप लोग माउथ अपना जो मुख होता है वो बक्कल केवट यानी मुख गुहा के अंदर खुलता है ठीक है अब माउथ के अंदर बहुत सारे टिथ होते हैं एक पैसे जीव्या होती है यानी जीभ होती है टंग होती होती है होती है प्रेजेंट अपने जो टिथ होते हैं वो जबड़ों के अंदर धसे रहते हैं ठीक है इसलिए अपने टिथ को क्या बोलते हैं अपन अपन लोग गर्त दंती कैसे हैं गर्त दंती क्योंकि अपने जबड़े के अंदर दांत धसे रहते हैं सेकंड थिंग बात करते हैं द्वी दंती ठीक है इसका मतलब क्या होता है अपने ह्यूमन बींग की अगर बात करते हैं तो कंप्लीट लाइफ के अंदर कंप्लीट लाइफ सर्कल के अंदर दो बार दांत आते हैं एक बार दूध के यानी कच्चे दांत आते हैं दूसरी बार क्या आता है परमानेंट टित आते हैं ठीक है लेकिन जो दूध के दांत होते हैं उनका नंबर आपको याद रखना है कितने होते हैं 20 यानी 20 दांत ऐसे होते हैं जो दूध के आते हैं आपको याद रखना है दिन बात करते हैं आप लोग अच्छा ये जो डायग्राम है इसके लेबलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए मोस्ट ऑफ आप इसको एक बार कवर करना एक बार देखना जरूर ठीक है देन बात करते हैं अपनी ह्यूमन बींग की तो वायस्ट मनुष्य यानी कि अडल्ट की बात करते तो बत्तीस इस्ताई दांत होते हैं ठीक है थर्टी टू टिथ होते हैं जो चार प्रकार के होते हैं इनसीजर कैनाइन प्री मॉलर एंड मॉलर कौन कौन से ध्यान से देखना कृत्नक रदनक अग्र चवर्णक एंड चवरणक अगर डेंटल फार्मूला की बात करते हैं अडल्ट के डेंटल फार्मूला क्या होता है टू वन टू थ्री डिवाइडेड बाई टू वन टू थ्री वही अगर बात करते हैं चाइल्ड की बच्चों की डेंटल फार्मूला क्या होता है इक्कीस जीरो दो बट्टा इक्कीस जीरो दो ठीक है और बच्चों को याद रखना कितने होते हैं उनके अंदर बीस टिथ होते हैं ट्वेंटी साथ ही साथ बात करते हैं है, जीप जो होती है वो फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती है फ्रेनुलम बोले तो आपने देखा होगा अगर जीप को ऊपर उठा के देखते हो तो आपके पतली सी एक मैम्रेन देखने को मिलती है जिसके थ्रू अपनी जीप जो होती है वो बक्कल कैविटी के फर्श से जुड़ी रहती है अब जीप के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं पेपिला प्रेजेंट होता है और कुछ पेपिला पेपिला के ऊपर क्या होते हैं कुछ के ऊपर ही स्वाद कल क्या प्रजेंट होती है टेस्ट बड प्रेजेंट होती है तो जो पेपिला होते हैं उसके नंबर आपको याद रखने कितने होते हैं दस हज़ार पेपिला के नंबर होते हैं कितने है? दस हज़ार जो कौन पेपिला चार प्रकार की होती है मोस्ट ऑफ आपने कभी सुना होगा तो ठीक है तो फिंजी फॉर्म फुली फॉर्म फॉलियट एंड सर्का चार टाइप के होते हैं ठीक है ओके मुख की बात करें तो बक्कल कैविटी किस में खुलती है भैया फेरिंग्स के अंदर खुलती है अब फेरिंग जो होता है वो वायु एंड भोजन दोनों का ही कॉमन पाथ होता है वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से कहाँ पे खुलता है फिर ये ईसोफेगस के अंदर आता है ईसोफेगस जो होता है वो एक पतली लंबी नलिका होती है जो कि बाईस से पच्चीस सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो ये कहाँ से जाती है गर्दन से लेकर थॉरिक्स यानी वक्ष की तरफ देन जाती है ये डायफ्राम से होते हुए ये सेब अपने स्टोमक के अंदर खुलती है कहाँ पे खुलती है अपने स्टोमक के अंदर खुलती है क्लियर सी बात है ओके okay. तो स्टोमक के अंदर जब खुलती है तो वहां पर एक स्पिंचर लगा होता है एक अवरोधनी लगा होता है जिसको अपन लोग कार्डिक अवरोधनी बोलते हैं ठीक है, है? कार्डिक अवरोधनी बोलते हैं वहीं अगर बात करते हैं अमाश्य तो अमाश्य जो होता है उसके तीन भाग होते हैं कौन कौन से एक तो होता है कॉर्डिक भाग एक होता है फंडस और एक होता है पाइलोरिक पार्ट तो जो कॉर्डिक पार्ट होता है वहां पर इसोफेगस ओपन होती है वही अगर बात करते हैं फंडिस पार्ट यहाँ पे देखो फंडिस जो होता है वो बॉडी यानी काय का एक पार्ट होता है जो कि ऊपर उभरा हुआ भाग होता है ठीक है ना ये आपको देखने को मिल रहा है डायग्राम में देखना मैं आपको दिखाता हूँ जो डायग्राम है दे, दे, ध्यान से देखना फंडस फंडस ये ये वाला वाला नहीं है है पोर्शन होता जो ऊपर उभरा हुआ पोर्शन होता है, है। मोस्ट ऑफ पार्ट जो होता है वो क्या होता है काय यानी कि बॉडी होता है क्लियर हो गया ओके ये वाला जो पोर्शन होता है ये कौन सा होता है यहाँ पर आता है कार्डिक पोर्शन यहाँ पर आता है पाइलोरिक पोर्शन ओके क्लियर हो गया इतना ध्यान से देखना नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं छोटी आंत यानी छोटी आंत की बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें इसके भी तीन पार्ट होते हैं कौन कौन से डूडिनम जजुनम एंड इलियम डूडिनम वाला जो पार्ट होता है उसको हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी ये यू सेप या फिर सी सेप की होती है आपको याद रखना या फिर सी सेप की होती है देन बात करते हैं जजुनम देन बात करते हैं इलियम तीन पार्ट होते हैं इसके उसके बाद जो भोजन आता है वो कहां पर आता है भैया वो आता है बड़ी आंत के अंदर आता है ठीक है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसके थ्रू आता है तो याद रखना इलियम के थ्रू कहाँ पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है और लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट होते हैं भैया तीन पार्ट होते हैं कौन कौन से सिक्कन सेलन एंड रेक्टम ठीक है सिक्कन एंड रेक्टम ये जो सिक्कम वाला पोर्शन होता है यहां पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है एक अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है जिसके अंदर सहजीवी सूक्ष्म जीव प्रजेंट होते हैं सहजीवी सूक्ष्म जीव प्रजेंट होते हैं यहां ध्यान से सुनना इसको अपन लोग क्या बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको परिशेषिका या फिर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या है वेस्टिजल ऑर्गन होता है वहीं अगर बात करते हैं बड़ी आंत का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है कॉलन वाला पोर्शन होता है इसके तीन पार्ट होते हैं कौन कौन से एक तो असेंडिंग दूसरा ट्रांसमस और तीसरा क्या होता है डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रांसमस एंड डिसेंडिंग तीन पार्ट होते हैं और लास्ट में क्या आता है जो रेक्टम होता है वो एन के थ्रू बाहर खुलता है इतनी बात क्लियर होगी ओके अब बात करते हैं अपनी एलिमेंट्री कैनाल की जो दीवार होती है हरनाल की जो दीवार होती है कहाँ से लेकर इस सौ से लेकर एक्टम तक वो उसके अंदर चार स्तर प्रेजेंट होते हैं चार क्या होते हैं लेयर प्रेजेंट होती है सबसे बाहर के लेयर आपको याद रखना सीरोसा ठीक है उसके बाद आता है मस्कुलरिस देन आता सब म्यूकोसा सबके अंदर जो होती है जिसके अंदर व्यूमेन प्रेजेंट होता है वो कौन सी होती है म्यूकोजा लेयर होती है सीरोसा जो पार्ट होता है वो एक थिन मिजोथीलियम की बनी होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसकी बनी होती है थिन मिजोथीलियम की बनी होती है और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं

देखो जो होता सब होता है वो सवनीय भाग होता है यानी यहीं पर आपको ब्लड भी मिलेगा लिम्फ भी मिलेगा और न्यूरॉन्स यानी कि नर्व वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कौन से पार्ट में सब म्यूकोसा वाले पार्ट के अंदर मिलती है क्लियर सी बात है और सबके लास्ट में अंदर कौन से आता है म्यूकोसा आती है देन बात करते हैं अपने ड्यूडियोनियम की ध्यान से देखना ड्यूडोनियम के अंदर कुछ ग्रंथियां भी सब मिकोसा में पाई जाती है अब यहाँ पर ये नहीं लिखा कि कौन सी ग्रंथि तो आपको याद रखनी है कौन सी ग्रंथि होती है यहाँ पे ब्रूनर ग्रंथि होती है कौन सी ब्रूनर ग्रंथी ठीक है ना सब मिकोजा के अंदर देखो ड्यूडेनम पार्ट की सब मिक्योजा में कौन सी ग्रंथि होती है तो आपको पता होने चाहिए कौन सी ग्रंथि होगी ब्रूनर ग्रंथि जो होती है वो ग्रहणी में यानी कि ड्यूडेनम के सब मिकोजा वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है मैं यहाँ पे स्टामा कर रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है देन अपन लोग बात करते हैं सबसे अंदर जो परत होती है वो कौन सी होती है म्यूकोसा होती है जो कि ल्यूमेन को घहरी रहती है ठीक है अवकाशिका को घेरी रहती है इतनी लेर होगी अब जो म्यूकोसा वाली लेयर होती है वहां पर आपको विलाई देखने को मिलेगी इनके ऊपर माइक्रो विलाई देखने को मिलेगी ये करते क्या है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं ताकि आपको पता है आसानी से अबजॉर्प्शन हो सके ठीक है भोजन का उसी के साथ साथ अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो ब्रश बॉर्डर वगैरह होती है ठीक है वहां पर कैपलेरिस का जाल बिछा होता है और साथ ही साथ बड़ी लैक्टियल डक्ट प्रेजेंट होती है ठीक है लसिका और जिसको अपन क्या बोलते हैं लैक्टियल डक्ट ध्यान से देखना ये इंपॉर्टेंट है कहा क्या बोलते हैं इसको लैक्टियल डक्ट बोलते हैं अब इसके अंदर जो लेबलिंग है वो सही नहीं दे रखा तो आप ध्यान से देखना ये जो अंकुर है इसका तो लेबलिंग ये वाला है और लेक्टियल का लेबलिंग कौन सा है ये वाला जो ये आपको येलो येलो दिख रहा है ये क्या है लेक्टियल है और ये क्या है ब्लड कैपलेरिज है ओके

अब बात करते हैं पाचक पाचन ग्रंथियों की बात करते हैं तो मोस्ट तो ऑफ पाचन ग्रंथि कौन कौन सी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ में बात करेंगे अपन अपन लीवर लीवर के अंदर क्या बनता बनता है है बाइल जूस उसके बाद बात बात करेंगे लोग की करते हैं तो जब अपन लोग लार की बात करते हैं तो जो लार होता है वो तीन जोड़ी ग्रंथियों के द्वारा होता है ध्यान से देखना लार का निर्माण क्या होता है तीन जोड़ी ग्रंथियों के कारण होता है अब तीन जोड़ी कौन कौन सी है तो आपको नाम याद रखना है कौन कौन सी होती है तो सब मैगजिलरी सब मैंडिबुलर uh, एक होता है पेरोटिड ग्लैंड ठीक है ना इसके अंदर हिंदी में देर का कैंड पुण्य यानी कि पेरोटिड ग्लैंड हो गई अधो जम्ब हो गया और जीप के नीचे वाली अधो जीव्या हो गया ठीक है तो आप मैं रिकमेंड करूंगा आप इंग्लिश में इनको देख लेना एक बार ठीक है इनसे क्या निकलती है भैया लार निकलती है उसके बाद अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर कुछ ज़्यादा ये नहीं बताया कि भैया लार में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं लेकिन आगे बता रखा है तो अपन वहाँ पर इसको देखते हैं देन बात करते हैं लीवर देखो लीवर जो होता है अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना रासायनिक कारखाना अपन इसी को बोलते हैं लीवर को क्या बोलते हैं इसको जिगर बोलते हैं जिसका वेट क्या होता है वन पॉइंट किलोग्राम का वेट होता है इसके अंदर बात करते हैं इसमें दो पालिया प्रेजेंट होती है दो लॉब प्रेजेंट होती है ओके क्या प्रेजेंट होती है इसके अंदर दो लॉब प्रजेंट होती है अब यकृत की जो पालिया होती है जो लोब्यूल्स होते हैं ठीक है ना

पीत का स्त्राव करती है अब ये जो बाइल होता है ये कहाँ पे जाता है फिर गॉल ब्लैडर के अंदर जाता है पिताशय के अंदर जाता है और वहाँ पर ये संग्रहित होता है स्टोर होता है सीधी सी बात है कहाँ पर होता है पिताशय के अंदर जमा होता है ठीक है सांद्रित व जमा होता है देन बात करते हैं अपन लोग इसके अंदर जहाँ जमा इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है जब अग्नाशय के अंदर अग्नाशय रस बनता है और जो ब्लैडर से क्या निकलता है बाइल निकलता है ये दोनों मिलकर किस कौन सी डट के थ्रू ड्यूडेनियम के अंदर खुलता है तो याद रखना ही पेटो पेनिक्रियाटिक ड कौन सी डट के थ्रू ये ड्यूडेनियम के अंदर खुलता है ही पेटो पेनिक्रियाटिक डट के थ्रू ध्यान से देखना ये डायग्राम इसके अंदर दे रखा है यहाँ से तो क्या आएगा भैया पेनिक्रियाटिक जूस आएगा और ऊपर से क्या आ रहा है भैया यहाँ पे बाइल जूस आ रहा है तो यहाँ पे जो कॉमन डक्ट मिल रही है दोनों की यानी इसके अंदर बाइल जूस भी आ रहा है इसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है तो इस डक्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं हैंटिकटो पेनक्रियाटिक डॉ पर एक स्पिंचर लगा होता है यहां पर क्या लगा होता है एक स्पिचर अवरोधनी लगा होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ओडाई क्या बोलते हैं उसको अपन लोग स्पिंचर ऑफ ओडाई बोलते हैं हालांकि इतना कुछ इसके अंदर है नहीं है लेकिन इसकी लेबलिंग वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको याद रखना है ये जो ड्यूडेन वाला पोर्शन होता है ग्रहणी वाला पोर्शन होता है सी सेप का होता है कौन सी सेप का होता है भैया ये सी सेप का होता है अगर पेनक्रियाज की बात करें तो ये मिक्सो ग्लैंड होती है क्या मिक्सो यानी कि ये एक्जोक्राइन ग्लैंड के थ्रू भी बिहेव करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू भी बिहेव करती है एक्जोक्राइन ग्लैंड के थ्रू बिहेव करने का मतलब क्या होता है इसके अंदर जूसेस का निर्माण होता है वही अगर बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू बिहेव करने का मतलब क्या होता है इसके अंदर हॉर्मोन्स बनते हैं जैसे इंसुलिन ग्लूकागोन वगैरह इसके अंदर इनका निर्माण होता है सी बात है नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर भोजन का पाचन यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है लेकिन पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो कैसी होती है मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होती है ठीक है ना अब पाचन जो होता है ध्यान से मतलब जब माउथ के अंदर भोजन आता है तो अपन क्या करते हैं उसके अंदर स्लेवा मिक्स करते हैं और उसको छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं ठीक है इसी जो मिक्स हुए भोजन को अपन लोग क्या बोलते हैं बोलते हैं क्या बोलते हैं अपन लोग बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब बोलस के फॉर्म के अंदर भोजन को अपन लोग निकलते हैं ठीक है ना अब बोलस को अपन निकलेंगे तो कहां से जाएगा वो पहले तो फेरिंग, फेरिंग से कहां जाएगा वो ईसो के अंदर चला जाता है अब ईसो के अंदर एक मूवमेंट होता है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको मूवेंट अगर आपको पूछे कि ईसो के अंदर कौन सा मूवमेंट सबसे पहले होता है

स्टमक uh, के अंदर आता है उससे पहले अपन बात करते हैं माउथ uh, के अंदर तो माउथ के अंदर जो सिलेवा निकलती है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स एलेक्ट्रो, वगैरह होते हैं लाइक सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयन या फिर बायकार्बेट आयन होता है अब लार के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वे या आपको याद रखना कौन-कौन सा एक तो होता लार या एमाइलेज जिसको अपन टाइलिन बोलते हैं और दूसरा क्या होता लाइसोजाइम हो अब जो लार या एमाइलेज होता ये ये है ये किसका पाचन करता है ये स्टार्च का पाचन करता है किसका पाचन करता है ये स्टार्च का पाचन करता है जब मौत होता वो पाचे नहीं करता है ये जीवाणुओं से रक्षा करता है ये जीवाणुओं से रक्षा करता है एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये अपने टीयर यानी आंसुओं में भी रिलीज होता है ठीक है अब देन बात करते हैं पाचन की रासायनिक प्रक्रिया ये स्टार्ट हो जाती है माउथ से अगर आपको पूछे कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है तो भैया माउथ से स्टार्ट हो जाता है ठीक है ना पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी यानी मुख्य गुहा से स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट की बात करें इसका मतलब ये क्या है स्टार्च की बात करें किसकी बात कर करें ये स्टार्च तो स्टार्च का जल अपघटित करने वाले इंजन जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं टाइलिन या फिर लार या एमाइलेज बोलते हैं इसका लगभग तीस प्रतिशत पाचन हो जाता है मैं एक चीज और यहाँ पर एड करना चाहूंगा ये जो स्टार्च होता है ये बॉइल्ड स्टार्च होता है कौन सा होता है ये बॉइल्ड स्टार्च होता है ठीक है ना कौन सा होता है उबली हुई सरकरा होती है बॉयल स्टार्च ये होता है इसका लगभग तीस प्रतिशत पाचन अपने बक्कल के के अंदर हो जाता है तो अपनी लार की अगर पीएच आपको पूछे तो लार की पीएच कितनी होती है सिक्स पॉइंट एट होती है ऐसा कह सकते हैं कि ये हल्का सा अम्लीय होता है ठीक है क्या होता है हल्का सा अम्लीय होता है ना है, है क्योंकि ऑब्लिक तो करके आप टाइलिन भी लिख सकते हो ठीक है पीएच आपको सिक्स रखनी है क्या बनाता है माल्टोज डेक्सटोज वगैरह बनाता है देन आप लोग बात करते हैं यानी कि स्टोमक के अंदर बात करते स्टोमक के अंदर तीन तरह की अपन को

करती है भोजन होता है मोस्ट ऑफ अपने स्टमक के अंदर चार पांच घंटे तक रहते हैं ये डिपेंड करता है अपने भोजन किस तरह का खाया अगर लाइट फूड है तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा अगर हैवी फूड खाया तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगता है अब भोजन में क्या मिक्स हो गया भैया आईसीएल यानी कि भोजन कैसा हो गया अम्लीय हो गया इस फॉर्म को अपन लोग क्या बोलते हैं कायम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको अपन लोग कायम बोलते हैं आईसीएल बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आईसीएल जो होता है वो प्रो एंजम यानी जो इनएक्टिव एंजेम होता है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है किसमें पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है अब ये जो पेप्सिन होता है किसका डाइजेशन करता है ये प्रोटीन

ओके okay. अब नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं जो अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो अल्प मात्रा में लाइपेज भी सिक्रेट करती है अल्प मात्रा में क्या सिक्रेट करती है ये लाइपेज भी सिक्रेट करती है देन अपन लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता है लीवर के अंदर क्या बनता है बाइल जूस बनता है कहाँ पर आता है ये गॉल ब्लैडर के अंदर आता है पिताशी में आता है वहीं अगर कर बात करें हैं अग्नाशय के अंदर क्या बनता है अग्नाशय के अंदर पेनक्रियाटिक जूस बनता है अग्नाशय रस बनता है ये दोनों कहाँ से आते हैं ये दोनों कॉमन बाइल सॉरी ये दोनों आते हैं हिपेटो के थ्रू कहां पर आते हैं ड्यूडेनम वाले पोर्शन में आते हैं वहीं अगर बात करते हैं ड्यूडेनम की जो लेयर होती है जो इनर जो लेयर होती है वहां पर कुछ सेल होती है जो कौन से रस का सिक्रेशन करती है आंत्री रस का सिक्रेशन करती है ये जो रस होते हैं कौन कौन सा एक तो बाइल जूस हो गया ठीक है दूसरा अग्नाशय रस हो गया तीसरा रस हो गया ये तीनों कहां सीक्रेट होते हैं छोटी आंत में ध्यान से ध्यान से वेरी वेरी इंपोर्टेंट तीनों कहां पे सीक्रेट होते हैं छोटी आंत के अंदर वहीं अगर बात करते हैं लोग के कंपोनेंट तो इसमें क्या क्या होता है सबसे पहले आपको याद रखना ट्रिप्सिनोजन क्या ट्रिप्सिनोजन देन बात करना देन अपन को याद रखना कामोट्रिप्सन ओजन उसके बाद आता है देन आता है एमाइलेज देन आता है न्यूक्लियस मैं एक चीज और यहाँ पर ऊपर क्लियर कर देना चाहता हूं स्टोमक के अंदर या अपने अमाश्य के अंदर किस चीज़ का पाचन होता है तो आपको बताना पड़ेगा प्रोटीन का पाचन होता है किसका पाचन होता है प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है अपने अमाश्य के अंदर होता है अगर माउथ यानी मुख्य गुहा की बात करें किसकी मुख्य गुहा की बात करें बक्कल कैविटी की बात करें तो यहाँ पर होता है स्टार्च का पाचन पाचन होता है स्टार्च का पाचन कितना प्रतिशत तीस प्रतिशत स्टार्च जो होती है उसका पाचन हो जाता है लेकिन बात करते हैं तो सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं ठीक है लेकिन किस अवस्था में निष्क्रिय अवस्था में होते हैं सक्रिय अवस्था में कौन करता है लेकिन जो होता है, ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है इसको एंजाइम ध्यान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा एंजाइम इसको एक्टिव फॉर्म के अंदर वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सन ओजन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट है

नहीं मिलता तो नो एंजाइम एंजाइम इसके अंदर टोटली अपसेंट होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो बाइल जूस के अंदर बाइ पिगमेंट बाइस शॉर्ट तो होते हैं लेकिन इसमें एंजाइम अपसेंट होता है तो इसका काम क्या होता है तो ध्यान समझना जो तो पीतरस होता है वो वसा का इमल्सीकरण में मदद करता है वसा यानी जो फैट के बड़े बड़े मोलिक्यूल होते हैं उनको छोटे छोटे मोलिक्यूल के अंदर तोड़ने का काम करते हैं सीधी सी बात है देन बात करते हैं पीत लाइपेज जो होता है लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है ठीक है ना बाइल जो होता है वो लाइपेज एंजाइम को भी क्या करता है सक्रिय करता है एक्टिव करता है उसके बाद अपन लोग बात करते हैं यहाँ पर गॉब्लेट सेल भी होते हैं देखो गॉल सेल क्या होती है सेल जो होती है वो म्यूकस करती है है जिसके कारण क्या होता लुब्रिकेशन का काम होता है है सिंपल सी बात है, पहले है बात जैसे पहले किया था उसके बाद अपन लोग बात करते हैं जो आंत्र रस होते हैं उसको अपन सक्कस भी बोलते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आया सक्कस एंट्रिकस रस को अपन लोग क्या बोलते हैं सक्कस एंट्रिकस भी बोलते हैं इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं अब ध्यान से देखना अब जो पहले तो अपने बड़े बड़े मोलिक्यूल को छोटे छोटे मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया अब जो छोटे छोटे मोलिक्यूल होते हैं उनको और ज्यादा छोटे छोटे मोलिक्यूल के अंदर तोड़ने का काम करता है लाइक like कौन कौन से एंजाइम हो गए यहाँ पर ग्लाइकोसाइडेज हो गया ठीक है डाई हो गया स्ट्रेज हो गया ठीक है न्यूक्लियसिडेज हो गया ये सारे एंजाइम कहाँ पर मिलते हैं आपको सक्स एंटेरिकस यानी कि आंतरी रस के अंदर देखने को मिलते हैं अब देन अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर जो आंतरिक रस होता है उसका माध्यम कैसा होता है छारिय माध्यम होता है यानी उसकी पीएच कितनी होती है सेवन उसकी पीएच होती है क्लियर हो गया इतना ओके हाँ देने अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर मैंने बता दिया था ब्रोनर ग्रंथि कहाँ पर होती है सब मिकोसा के अंदर कौन से सब मिकोसा के अंदर ड्यूडिनम वाली के अंदर किसमें ग्रहणी के सम्मिकोसा के अंदर ब्रोनर ग्रंथि प्रेजेंट होती है अब अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर ये देखो जो अपने आगे पढ़ा था वहीं यहाँ पर एक को फॉर्म के अंदर लिख रखा है तो स्टोमिक के अंदर ज़्यादातर प्रोटीन का पाचन हो जाता है लेकिन जो बच्चे भी प्रोटीन होता है उसको और प्रोटीन के जो उत्पाद बनते हैं जैसे पेप्टॉन्स वगैरह प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ट्रिप्सिन या फिर काइमोट्रेप्सिन उनको क्या करती है डापेप्टज के अंदर तोड़ देती है किसमें तोड़ती है डाई के अंदर वहीं अगर कर बात करते हैं एमाइलेज जो होता है वो पोलीसेक्राइड इन स्टार्च को किस में कन्वोट करता है डाइसेकराइड के अंदर कितनी स्टार्च तो याद रखना सत्तर प्रतिशत स्टार्च का यहाँ पर डाइजेशन हो जाता है तो बोलो तीस प्रतिशत कहाँ पर हुआ था

अब बात करते हैं जो अपने देखा था सक्का सेंटेरिकस वाला पोर्शन तो ये इसमें क्या होता है जो डाई पेप्टाइडेज बनता है डाई पेप्टाइड बनता है उसको डाई एंजाइम किसमें कनोट करता है एमिनो एसिड के अंदर माल्टोज किसको माल्टोज को माल्टेज किसमें कनोट करता है ग्लोकोज प्लस गुलकोज के अंदर लेक्टेज एंजाइम जो होता है वो लेक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस केलेक्टोज के अंदर और सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम या फिर इन्वर्जन एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है वो किस में कन्वर्ट करता है इसको ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है ये कहाँ पर काम हो रहा है ये अपनी छोटी याद के अंदर काम हो रहा है जिसमें कौन किसका रोल है ये सक्कस सक्स एंटेगस रस का रोल होता है इतना क्लियर होगा अब जो न्यूक्लियोटाइडेज बना था यहाँ पर ये यह दो गलत हो गया ना ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये तो आएगा कहाँ पे यहाँ पर आएगा न्यूक्लियोटाइडेज एज जिसके लग जाता है वो क्या होता है एंजाइम होता है एज एज का इसका सफिक्स होता है ठीक है सफिक्स जिसके पीछे भी एज सफिक्स लगता है वो क्या होता है एंजाइम होता है तो ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ये न्यूक्लियोटाइडेज एनजेम की में क्या बनाता है न्यूक्लियोसाइड Nucleoside, और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम क्या करता है इसको सरक्रा एंड नाइट्रोजन बेस के अंदर कन्वर्ट करता है यहाँ पे क्या है पेंटोसुगर प्लस नाइट्रोजन बेस आ गया साथ ही साथ बात करते हैं डाई या फिर मोनोग्सराइड का ग्लिसराइड को जो लाइपेज होता है वो किसमें कन्वर्ट करता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसोर के अंदर कन्वर्ट करता है इतनी बातें क्लियर होगी आपको उनको ठीक है उसके बाद हम लोग बात करते हैं जितना भी यहाँ पर पाचन आ, पाचन हो गया था तो मोस्ट ऑफ पाचन तो हो गया उसके बाद क्या होता है अवशोषण होता है लेकिन बड़ी हाथ के अंदर कुछ भी ऐसी महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है देखो बड़ी हाथ के अंदर क्यों नहीं होता क्योंकि आप पे आपको पता है मोस्ट ऑफ पाचन तो पहले हो गया था ठीक है अगर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है तो छोटी हाथ के अंदर है सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है छोटी हाथ के अंदर सर्वाधिक अवशोषण की बात करें तो अवशोषण भी कहां होता है भैया छोटी हाथ के अंदर कहां होता है अवशोषण सबसे ज्यादा छोटी हाथ के अंदर ही होता है अगर क्वेश्चन आएगी भैया सर्वाधिक पाचन छोटी हाथ के कौन से भाग में होता है तो आपको पता होना चाहिए कहां पे होता है ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है कहाँ होता है ड्यूडेनम पार्ट ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है तो बड़ी हाथ के अंदर अपन लोग बात करते हैं क्या क्या रोल है कुछ जल का अवशोषण हो गया खनिज या ड्रग्स वगैरह मिनरल्स वगैरह के यहाँ पे अवशोषण हो जाता है अब जो अपचित भोजन होता है उसको अपन बॉडी से बाहर डे बाई डे अपन क्या करते हैं उसको बाहर रिलीज कर देते हैं जो एंड डाइजेस्टिव फूड होता है उसको अपन लोग बॉडी से बाहर निकाल देते हैं देन अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर पचित उत्पादों का अवशोषण ये बात कर लेते हैं इसके अंदर किसकी बात करते हैं पचित उत्पादों का अवशोषण अब ये अब्जोशन की बात करते हैं ध्यान से समझना इसमें क्या होता है अवशोषण वह प्रक्रिया जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद जैसे कि अपने सिंपल फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया था उसको अब अपनी बॉडी क्या करेगी अब्जोर्व करती है ये जो अब्जोसन होता है वो किसके किसके थ्रू होता है या तो ब्लड कैप्लरिस के थ्रू होगा या फिर लसिका के थ्रू होता है ब्लड कैप्लेरिस के थ्रू भी हो सकता है या फिर लसिका के थ्रू भी ये हो सकता है सिंपल सी बात है ये जो अवशोषण होता है वो तीन तरह का होता है कौन कौन सा निष्क्रिय अवशोषण सक्रिय अवशोषण या फिर सुसाध्य परिवहन एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ निष्क्रिय अवशोषण क्या होता है जो सांद्रता प्रवणता के साथ ऑब्जॉर्व किया जाता है यानी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाता है तब इसको क्या बोलते हैं आप लोग निष्क्रिय अवशोषण बोलते हैं सुसाध्य परिवहन की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ टनल प्रोटीन की रिक्वायर्ड होती है ठीक है तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं सुसाध्य परिवहन बोलते हैं जैसे कि बात करते हैं अपन लोग फ्रुक्टोज और कुछ एम्यूनो एसिड जैसे होते हैं जिनको वाहक अणुओं की आवश्यकता होती है वाहक वह कणों का मतलब क्या होता है टनल प्रोटीन की आवश्यकता टनल चैनल की आवश्यकता होती है जैसे सोडियम आयन की मदद से अपन क्या है? करते हैं इसको अब्जोर्व करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप जिसको अपन लोग बोलते हैं क्लियर सी बात है इसको अपन लोग क्या है? बोलते हैं सुसाध्य परिवहन बोलते हैं एक चीज़ और आता है उसको अपन लोग बोलते हैं परासरण क्या होता है परासरण तो परासरण के अंदर क्या होता है जल का

लिफ सॉरी का ब्लड कैपिलरीज के थ्रू अब्जोर्व होते हैं यानी कि वो सीधे कहाँ पे आते हैं ब्लड के अंदर आते हैं सिंपल सी बात है ध्यान से सुनना जो फेस्ट जो फैटी एसिड हो गया ग्लिसरॉल वगैरह हो गया जो वाटर इन सोल्यूबल कम्पोनेट होते हैं वो तो किसके थ्रू अब्जो किए जाएंगे लस्सीका वाइन सीधे किस में आ जाएगा वो लिम्फ के अंदर आ जाएगा लेकिन जो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्ट कहाँ पर आता है ब्लड के अंदर आता है किसके थ्रू ब्लड कैपिलरीज के थ्रू अब्जोर्व कर लिए जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन आप लोग बात करते हैं पदार्थों का अवशोषण तो आहार नाल के अंदर किस किस चीज का अवशोषण होता है वो देखते हैं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माउथ के अंदर तो माउथ के अंदर भी भैया अब्जोशन होता है हमारे स्टमक के अंदर भी होता है छोटी आँत में भी होता है और बड़ी आँत में भी अब्जोशन होता है अब क्या रहेगा यहाँ पर इस्तोफेगस यानी कि Uh, क्या बोलते हैं इसोफेगस को फूड पाइप हम लोग बोलते हैं ठीक है तो इसोफेगस के अंदर ना तो भैया पाचन होता है ना ही क्या होता है अवशोषण होता है परंतु सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता? होता है छोटी आंत के अंदर होता है सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों छोटी आंत के अंदर होता है अब ध्यान से देखना है अपने एक टेबल दे रखी है सिक्सटीन पॉइंट वन की इसमें दे रखा है माउथ के अंदर किस किस चीज का कुछ ड्रग्स वगैरह हो गया ठीक है किस चीज का कुछ ड्रग्स वगैरह हो गया एल्कोहल वगैरह हो गया इनका अवसोसन कहाँ होता है अपने माउथ के अंदर हो जाता है वहीं अगर बात करते हैं स्टोमक के अंदर तो स्टोमे के अंदर बात करें तो इस्टोमे के अंदर मैक्सिमम जल का अवशोषण हो गया जो सिंपल शुगर है उसका अवशोषण लेके लाइक अपन लोग देते हैं ग्लूकॉन डी वगैरह देखते हैं तो इनका ऑब्जोशन हो जाता है अंगूर वगैरह हो गया ग्रेप्स वगैरह गन्ने का जूस हो गया इनका ऑब्जोशन कहाँ होता है अपने अमाशा के अंदर हो जाता है एल्कोहल मैक्सिमम एल्कोहल का ऑब्जोशन कहाँ प होता है भैया अमाशा के अंदर होता है और बहुत जल्दी होता है आपने देखा होगा अपन लोग नॉर्मली एक साथ चार पांच लीटर पानी नहीं पी सकते लेकिन हाँ एक साथ तीन चार बेटल बोतल अपन लोग बियर के लगा सकते हैं बिकॉजेसन हो जाएगा सर्वाधिक हो होता है तो ये तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होता है भैया छोटी हाथ के अंदर होता है और बड़ी हाथ के अंदर भैया वाटर हो गया कुछ मिनरल्स हो गया कुछ ड्रग्स वगैरह हो गया इन्हीं का जरूरत पड़ने पर जल की बहुत ज्यादा मात्रा यहाँ पर ऑब्जॉर्व कर

ओके okay, तो इसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं जो अंडाइजेस्टिव फूड होता तो है उसको अपन बॉडी बाहर रिलीज कर देते हैं देन बात करते हैं तो कुछ डिसऑर्डर्स की तो डिसऑर्डर के अंदर अपन लोग देखते हैं ध्यान से देखना आत्र का संक्रमण में कुछ परजीवी भाग लेते हैं जैसे कि फिताकर्मी हो गया गोलकर्मी हो गया सूत्रकर्मी हुकवर्मी पिनवा वगैरह ये सभी क्या होते हैं परजीवी होते हैं देन बात करते हैं आप लोग जॉन्डिस के जॉन्डिस के अंदर कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है तो आपको याद रखना होगा यकृत यानी लीवर इफेक्ट होता है इसके अंदर क्या होता है बिली रुमिन बिली वर्डिन पिगमेंट होता है उसकी मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है जो कहाँ पर डिपोजिट हो जाती है अपनी त्वचा और आंख के अंदर डिपोजिट हो जाते हैं जिसके कारण अपनी आँख और त्वचा का रंग कैसा हो जाता है पीला हो जाता है वॉमिटिंग की बात करते हैं तो वॉमिटिंग क्या होता है अपने स्टमक से वापस माउथ के थ्रू अपना भोजन बाहर आना क्या कहलाता है वॉमिटिंग कहलाता है इसका जो सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है मेडुला के अंदर वामन सेंटर के थ्रू इसको कंट्रोल कर दिया जाता है और अपन को वॉमिटिंग होने से पहले हल्की सी बेचैनी की अनुभूति भी होती है जो कौन करवाता है ये वामन सेंटर ही करवाता है डायरिया आप लोगों को पता ही है नॉर्मली क्या होता है बार बार डायरिया के अंदर बार बार क्या होता है मल त्याग होता है सिंपल सी बात है जो कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है कंडीशन के अंदर क्या होता है वाटर का काब्जूशन बहुत ज्यादा कम होता है इसलिए कैसा होता है पतला होता है देन बात करते हैं कॉन्टिपिटेशन की बात करते हैं जो कॉन्स्टिपिटेशन होता है उसके अंदर क्या होता है अपना जो रेक्टम होता है उसके अंदर जो फिकस मैटर होता है जो फिकस मटेरियल होता है वो रुक जाता है ठीक है देन बात करते हैं इंडाइजेशन की तो इंडाइजेशन जो होता है उसके अंदर भोजन पूरी तरह नहीं पचता और अपना पेट भरा भरा सा रहता है ये किस कारण से होता है? हो सकता है एंजाइम के इस में कमी हो अपन को टेंशन में एंजाइटी वगैरह हो ठीक है इनके कारण ये होता है या फिर मसालेदार भोजन करने से होता है तो अपन का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया क्विक विक्रियजन सीरीज के अंदर आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो चैप्टर वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना तब चले थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे और भैया स्टडी करो बिकॉज हो अपने पास टाइम बहुत बहुत कम है जितना जल्दी हो सके जितना फास्ट हो सके अपन को सिलेबस खेचना है और अपन को हर एक चीज को माइंड के अंदर सेट करना है हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर